देखो, मैं फहमिदा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनाएंगे। देखिए, ये हमने पहले मिर्च डाल ली है, ये नमक डाल लिया है, ये लहसुन डाल लिया है। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको चला देंगे। देखिए, हमारी चटनी पिस चुकी है। अभी मैं इसमें हरा धनिया डाल देंगे जो हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है और उसको काट लिया है। देखिए, हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है जो हमने धो के काट लिया है। अब हम इसको दोबारा से पीस देंगे। देखिए, हमारी चटनी पिस चुकी है। अब हम इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे, इसे डालने से ये काली नहीं होगी, हरी हरी रहेगी। आप इसे 2-3 दिन तक रख के खा सकते हैं। देखिए, हमारी चटनी पीस के तैयार है। हम आप इसे पराठे से खाएं, रोटी से खाएं या बिरयानी पुलाव के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के ये बहुत अच्छी लगती है। और आप भी ट्राई करें और हमें बताएं। अल्लाह हाफिज़।